बाहर से आवाजें आ रही है, मैंने इधर का दरवाजा अंदर आके खोला, ये बच्चे को या जो भी अंदर है उसे मुंह पर इस तरह ठुड्डे मारे थे, उसकी चीखें बाहर तक आ रही थी, सबको आवाजें आ रही थी, कस्टोडियल बैज नंबर नहीं दे रहे, कस्टोडियल टॉर्चर हमारे सामने हो रहा है और ये साहब करवा रहे हैं क्योंकि ये साहब मुझे अंदर नहीं आने दे रहे थे। ये कौन है, जो भी है, कौन आपको अंदर आने से, इसमें आपका जो रेलेवेंट बात है, रेलेवेंट मैं वकील हूँ, मैं आपको बता रही हूँ आप ये नहीं कर सकते। क्या मैंने किया है मुझे, मैंने आपको अपनी आंखों से देखा, क्या देखा आपने बताया ना, मैं बैठा हूँ दफ्तर में, सर अपना बैच नंबर दे, मैंने बहस नहीं करनी, तो बस ठीक है आप बहस, मेरा नाम है ना, मेरा नाम आप बैच नंबर दे, तो बीबी मैं बता रहा हूँ ना, मेरा बैच नंबर दे, बैच नंबर क्या होता है, अपना पर्सनल रूम है, अगर मर जाए तो फिर कस्टडी में मर जाए। सर आपको पता है मैं वकील हूँ, जो आप कर रहे हैं ये इलीगल है, ये कस्टोडियल टॉर्चर है, ये कस्टोडियल टॉर्चर है सर, आप ये नहीं कर सकते, मैं अभी रिपोर्ट करूंगी इस चीज को, इररिलेवेंट है ये बात, इट डज नॉट मैटर, मैं इस थाने में खड़ी हुई हूँ, आप ये नहीं कर सकते, आप ये कर ही नहीं सकते, बंदा मरने वाले मर जाए तो आप, आपका नाम इशाद साहब, आप जिम्मेदार होंगे इस चीज के, आपको मैंने उस बंदे की चीखें बाहर तक सुनी है, मैं वकील हूँ, मैं जानती हूँ आप नहीं कर सकते, आपके इररिलेवेंट आप बात नहीं, आप इलीगल काम कर रहे हैं, कोई किस कानून के तहत आप ये कर रहे हैं, किस आईन के तहत आप कर रहे हैं, कोई मुजरिम है तो आप अदालत में पेश करें, आप कानून अपने हाथ में नहीं लेकर जा सकते, इस तरह कौन हाथ में ले रहा है सर, मैंने अपनी आंखों से आपको देखा, आप उसके मुंह पर ठुड्डे मार रहे थे, आप बैठ नहीं, नहीं ये इस तरह नहीं होगा, आप बैठ नहीं सर, आप जो कर रहे हैं आप गैर कानूनी करें, आप ये कर नहीं सकते, आप इलीगल करें, आपको तो सस्पेंड होना चाहिए, आप बैठ जाए ना, इशार साहब अपना बैच नंबर मुझे बताएं, बैठ जाए, इशाद साहब मुझे बैच नंबर बताएंगे तो मैं निकलवा दूंगी, बैच नंबर ठीक है, बैच नंबर क्या, बैच नंबर बताएं मुझे अपने, बस नाम मेरा लिखा, मेरा ये मुझे बैच नंबर आप अभी बताएंगे,